दोस्तों, क्वालिटी सोडा मशीन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सलमान, हाजिर है एक नया वीडियो लेके, एक नया बिजनेस आइडिया लेके। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारा स्लस मशीन, जिसको आप आइस गोला मेकिंग मशीन भी बोलते हैं कई जगह पर, ठीक है। ये जो मशीन है इम्पोर्टेड वेरियंट है। ये तीन बाउल में अभी आपको ऑप्शन दिख रहा है मशीन के अंदर। इसके अलावा आपको दो बाउल और सिंगल बाउल में भी इसको ऑप्शन मिल जाएगा। और काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। शुगर केन मशीन, सोडा मशीन, सॉफ्टी मशीन, इसके अलावा अगर आपको कुछ यूनिक हटके बिजनेस करना हो तो आप ये मशीन हमसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसमें आप देखोगे तो 12 लीटर की इसकी कैपेसिटी आती है इसके अंदर। आप कोई भी अपना जो नेचुरल फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, आप बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। 300 से ज्यादा आपको आर्टिफिशियल फ्लेवर मिल जाएंगे, जैसा कि बॉटल्स हमने रखी हुई है। यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सीजनेबल कोई फ्रूट, जैसे कि मैंगो या फिर शुगर केन या ऐसा कोई, अगर आपको जूस बना के इसके अंदर डालना हो और उसका स्लस बना के कस्टमर को देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी हम आपको बिना टाइम वेस्ट किए अभी मशीन स्टार्ट करके और किस तरीके से इसमें फ्लेवर निकल रहा है आपको बताएंगे दोस्तों। ये आप नजीक में आप देखोगे मशीन के अंदर, ये यहाँ पर इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन आपको बता दें। यहाँ पर आप देखोगे तो तीनों बाउल के अलग अलग यहाँ पर सेटिंग्स होते हैं इसमें। बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ये भी कूलिंग मोड में है, मतलब जो इसको जो है बर्फ मोड में, यहाँ पर इसको स्लश बनाने के मोड में है। यहाँ से इसको आप सेटिंग करोगे, ये कूलिंग मोड में चला जाएगा, मतलब ये सिर्फ चिल्ड करेगा उसको, जूस को, जो भी आप डालने वाले हो, ठीक है। अभी इसको अभी ऑन कर देंगे हम। यहाँ से जो है इसका सेटिंग जो अभी तीन में रखा हुआ है, इसको आप प्लस कर सकते हैं। जैसे देखिए अब लिंक हो रहा है, ये मैक्सिमम 9 तक आप सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बर्फ जमाना हो तो। और मिनिमम आप जो इसका 1 पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ये इसके अंदर जो लाइट दी हुई है, इसको ऑन करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑन ऑफ होगी लाइट यहाँ से। और इधर आप देखोगे जो अंदर का जो रोलर है, जो इसको स्लश बनाने की प्रोसेस में जो रोल करता है इसके फ्लेवर को, यहाँ से इसको आप बंद या चालू कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसको भी हमने बंद कर दिया है, ये अभी इसको वापस से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिक 3-4 सेटिंग होते हैं इसके अंदर, और कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं है। और इसको ईजिली आप कहीं पर भी, अपना शॉप है, रेस्टोरेंट है, अगर आप खुले कोई पार्क में, अगर आपका लोकेशन अच्छा है वहाँ पर, आप इसको आसानी से रख सकते हैं। 2x2 की साइज का मशीन है, ज्यादा आपका जगह रोकने वाला नहीं है मशीन में, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम आपको स्लस इसके अंदर निकाल के बताएंगे किस तरीके से स्लस निकल रहा है और क्या इसकी क्वालिटी है। ये देखिए, इस तरीके का आप 200ml का, 250ml का, 150ml का, अपना जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आप ग्लास ले सकते हो। और यहाँ पर आपको सिंपली जो है ग्लास नीचे रख के, ये सिंपली आप जो है इसको हैंडल को नीचे करेंगे, यहाँ से आपका स्लस निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए इसकी हार्डनेस आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी बेहतरीन इसकी हार्डनेस आ रही है, ये देखिए। ये देखिए, ये जो फ्लेवर हमने डाला हुआ है ये सॉफ्ट फ्लेवर है, ठीक है, जिसको वरियाली भी बोलते हैं। ये गर्मियों के सीजन में काफी ठंडक देता है, तो वो फ्लेवर हमने बनाया हुआ है। ये दूसरा फ्लेवर है, ये है ब्लूबेरी फ्लेवर, इसको भी निकाल के आपको बताएंगे। ये देखिए मशीन की जो क्वालिटी है, इसकी हार्डनेस है, वो आप इसे देख सकते हैं, इसका कितना ज़्यादा जो हार्डनेस इसके अंदर आ रहा है। देखिए आप, ये हमने निकाला ब्लूबेरी फ्लेवर, अभी इसमें हम ऐड करेंगे मैंगो, ये मैंगो वाला फ्लेवर आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी मैंगो का फ्लेवर निकलना शुरू हो चुका है। ये हार्डनेस जो इसके आप देख सकते हैं, इतना गर्मी का सीजन है, अभी मई का महीना है, फिर भी इसकी हार्डनेस आप देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर कूलिंग आ गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो एक ग्लास जो हमने अभी तैयार किया है, देखिए इसका कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर बन रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट है ये। जो आइस गोला जनरली हम जो मैन्युअली मशीन से जो खाते हैं, ठीक है, ऊपर से जो फ्लेवर डाल के, उसका जो क्रशिंग होता है आइस का, वो थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे ही आप मुंह में इसको रखोगे ये पिघल जाएगा, तो खाने में बहुत ही टेस्टी है और लजीज है। और जो है अच्छी बात, ये गर्मियों के सीजन में लोग इसको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। ये एक ग्लास अगर आप कस्टमर को सर्व करते हो, इसका कॉस्टिंग भी आपको मैं बता दूं, ये जो ग्लास है डिस्पोजेबल, ये आपको पड़ने वाला 70 पैसे का, 70 से 80 पैसे का मैक्सिमम। और ये अंदर जो हमने फील किया हुआ है, ये जो फ्लेवर है, इसका कॉस्टिंग आपको पड़ने वाला है मात्र और मात्र 1 रुपए से 1 रुपए से 1 रुपया 20 पैसा।
और जो इसका लाइट बिल है, जो इसको अभी स्लश किया हमने, जो ये आइस गोला बनाया, ये आ जाता है आपका 3 रुपए का। तो ओवरऑल ये जो 200 ml का ग्लास है, इसमें अगर आप सर्व करोगे तो 6 रुपए का कॉस्टिंग आपको बनने वाला है मैक्सिमम, और आसानी से ये ग्लास आपका 20 रुपए में कहीं पे भी बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक ग्लास के पीछे आपको आराम से 14 रुपए का मुनाफा मिल जाता है दोस्तों। तो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और गर्मियों के सीजन में लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इसका मशीन का डेमो। ये जो मशीन है आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हमसे ऑर्डर कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपके जो आपका जो पिन कोड होगा उसके अनुसार हमारी जो कंपनी है डिलीवरी आपको कर देगी। दोस्तों ये 3 बाउल में ऑप्शन है, इसके अलावा 2 बाउल और 1 बाउल में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और इस मशीनरी के अलावा आपको जो है, जैसे कि हमारी कंपनी है, देखिएगा आप सॉफ्टी मशीन भी मिल जाएगा आपको। तो आइसक्रीम का बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना हो, यहाँ पर आप देखोगे शुगर केन है, बेसिक 3 डॉलर वाले स्टेनलेस स्टील के, ये भी आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर आप देखोगे ये पॉपकॉर्न मशीन रखा हुआ है, ये भी मिल जाएगा आपको। और ये जो है सोडा फाउंटेन मशीन रखा हुआ है, जो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वीडियो में आपको हमने आपको मशीन की जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।